नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, मैंने विंटर की कुछ शॉपिंग करी, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लिए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ मैं एक स्पेशल चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाली हूं जो आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं अपनी स्पेशल चीज़ की। तो दोस्तों, ये है वो स्पेशल गिफ्ट जो मुझे वाव स्किन साइंस की तरफ से रिसीव हुआ है। तो मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ, इसको मैंने पहले ही खोल दिया है। तो ये देखिए, इस तरीके की ये पैकेजिंग है और इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से रैप किया हुआ है ये। और चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये है वाव स्किन साइंस ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश। ये देखिए, प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वाव स्किन साइंस, एक जाना माना ब्रांड है, आप सभी जानते होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। और इसकी पैकेजिंग देखिए, कार्डबोर्ड से बनी हुई है, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है इस चीज़ में। तो प्रकृति और पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि हम प्लास्टिक को हटाना चाहते हैं, प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो विटामिन सी फेस वॉश है, इसकी खासियत जान लेते हैं। यह हमारे स्किन टोन को ब्राइटन करता है, एजिंग स्पॉट को कम करता है, फाइन लाइन को रिड्यूस करता है और सभी स्किन टोन के लिए सुटेबल है। तो विटामिन सी हमारे स्किन के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है, हमारे स्किन में ग्लो आता है। और इसके अंदर देखिए, जो ट्यूब है ये पेपर से बनी हुई है, ये FSC सर्टिफाइड पेपर से बनी है, जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। इस ट्यूब में जो इन्होंने एक नई शुरुआत करने की कोशिश करी है, हमने और भी जो ट्यूब देखी होंगी वो प्लास्टिक की आती हैं, तो इसमें 45 का रिडक्शन किया हुआ है इस ट्यूब में। ये देखिए, पेपर से बनी हुई है और केवल कैप कैप में प्लास्टिक लगी हुई है। तो एक छोटी सी शुरुआत प्रकृति में योगदान में आप कह सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो हम छोटी छोटी शुरुआत करेंगे तो हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे ये अपना प्रोडक्ट मुझे गिफ्ट में दिया है। और ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है, और आप चाहते हैं इसका रिव्यू तो मैं ज़रूर करूँगी, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी खास बात यह है कि मेड इन इंडिया है ये, और 100 ml की ट्यूब है ये। तो ये था आज का प्रोडक्ट जो मुझे मिला है, आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और जैसे कि मेरा गार्डनिंग का चैनल है, तो ये मेरे DIY वीडियो में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो इसका यूज भी मैं करने वाली हूँ। तो प्रकृति में योगदान देना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप अपनी वाटर बॉटल कहीं भी ले जा सकते हैं, तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उतनी प्लास्टिक की बॉटल बनेगी नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सबको करनी चाहिए। तो ये विटामिन सी फेस वॉश मुझे वाव स्किन का बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया तो इसे आप ज़रूर परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो आप प्रकृति में और पर्यावरण में अपना योगदान जरूर दीजिए। तो चलिए आप देखते हैं आगे की शॉपिंग, मैंने कौन कौन से विंटर फ्लावर की शॉपिंग करी है। तो सबसे पहले हम फ्लावर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से परचेज किए हैं। तो देखिए, डहेलिया का मैंने ये लिया है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है ये, और विंटर में बहुत अच्छे से खिलता है। तो प्लांट देखिए कितना हेल्दी और कितना अच्छा है। तो ये मुझे मिला है 25 rupees का, बहुत ही सस्ते में मिल गया है। और तीनों मैंने इसी कलर के लिए हैं, क्योंकि ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है, लेकिन थोड़ी बहुत ही करी है। इसके अलावा देखिए, विंटर के लिए कैलेंडुला, बहुत ही प्यारा, आप देख सकते हैं येलो कलर का है ये, और इसमें आपको बहुत सारे सेट्स मिल जाते हैं, येलो में ही मिलेंगे, येलो, ऑरेंज, डार्क येलो, लाइट येलो, ये देखिए ऑरेंज वाला। तो ये भी मुझे 20 rupees के मिले हैं। इसके अलावा देखिए गजानिया, ये खिला हुआ नहीं है। और इसके साथ साथ देखिए, मैंने ये दो गुलाब परचेज किए हैं। एक गुलाब मुझे 80 rupees का मिला है, ये कलर मेरे गार्डन में नहीं था, इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, दोनों एक जैसे हैं। तो इसकी रिपोर्टिंग पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, तो उसे ज़रूर देखें आप। तो छोटी सी शॉपिंग करी है। और इसके अलावा देखिए, ये बड़ा पॉट लिया है, मेरा जो ऑर्किडिया का प्लांट है वो बिल्कुल उसका गमला फटने वाला है, क्योंकि उसके रूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये देखिए, कम से कम 18 inch का गमला होगा, ये लिया है मैंने, ये मुझे मिला है 550 rupees का। और इसके अलावा देखिए, ये है 16 inch का गमला, तो इसमें मैं लगाने वाली हूँ रबर प्लांट। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आई होप आप सबको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।